दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर जो नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि मैं लेखपाल भर्ती जो होनी है 2021 में जिसका एग्जाम होना है उसके बारे में सैलरी कितनी होगी दोस्तों, सैलरी कितनी होगी, ग्रेड पे कितना होगा और उसका क्या उसकी पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि श्रेणी का पद है और क्या प्रमोशन कब होता है, कैसा अगर प्रमोशन होगा लेखपाल से तो कौन सी पदवी मिलेगी, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021, ठीक है दोस्तों, अभी एग्जाम होना है, इसका नोटिफिकेशन भी नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर जो होता है उसमें इसकी घोषित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये किस श्रेणी का पद है लेखपाल का, तो दोस्तों ये समूह गा, क्या समूह गा पद श्रेणी का ये जॉब होती है आपकी। अब दोस्तों आता किसके अधीन कार्य करता है, तो ये तहसीलदार तहसील स्तर पर काम करता है, क्या ये जो लेखपाल होता है जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आप तहसील स्तर पर काम करेंगे, और किसके अधीन की बात करें तो दोस्तों ये तहसीलदार एसडीएम, इसके एसडीएम के अधीन ये जो लेखपाल होते हैं तहसील स्तर पर होता है, एसडीएम के अंदर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब किसके अधीन कार्य करता है, एसडीएम के अधीन कार्य करता है। फिर आती है ग्रेड पे की बात, सैलरी कितनी मिलती है, तो दोस्तों लेखपाल का ग्रेड पे होता है 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए, और दोस्तों इसकी ऑलमोस्ट सैलरी कितनी बनती है दोस्तों ये 22000, कितनी 22000 ऑलमोस्ट इसकी सैलरी बनती है फर्स्ट स्टार्टिंग से। फिर आपकी ट्रेनिंग कितने वर्ष की होती है, दोस्तों इसमें ट्रेनिंग 1 वर्ष की होती है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग होती है लेखपाल की आपको दे दिया मैं, और इसके दोस्तों इसका अगला वीडियो बताऊंगा मैं लाऊंगा आपके लिए कि लेखपाल का काम क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। फिर दोस्तों प्रमोशन की बात आती है, तो दोस्तों प्रमोशन कब होता है, तो दोस्तों अगर लेखपाल हैं आप तो इसके बाद आपका राजस्व, अगर राजस्व लेखपाल, राजस्व लेखपाल में पद खाली है, क्या पद खाली है, और ये सीनियरिटी बेसिस पे होगा। सीनियरिटी बेसिस कैसे, अगर आप लेखपाल जैसे आज हुए लेकिन आपसे पहले कोई सिलेक्शन हुआ है किसी का वो लेखपाल है और राजस्व लेखपाल का पद खाली है, तो अगर प्रमोशन होगा तो उस बंदे का पहला होगा, आपका बाद में होगा। फिर जब आपका नंबर आएगा अगर फिर कोई पद खाली है तो आपका फिर राजस्व लेखपाल में प्रमोशन होगा। ठीक है दोस्तों, अगर राजस्व लेखपाल है जो उसके बाद किस पद पर प्रमोशन होगा, तो उसके बाद दोस्तों कानून गो, क्या कानून गो, कानून गो दोस्तों इसमें कोई विशेष इंटरव्यू या ऐसा कुछ विशेष नहीं होता है, ये बस पद खाली होना चाहिए और सीनियरिटी बेसिस पे होता है, आपसे सीनियर जो होगा उसका प्रमोशन पहले होगा आपका बाद में प्रमोशन होगा। तो दोस्तों ये हो गई लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 में जो सैलरी हो गई और ग्रेड पे कितना किस किस किसका पद की श्रेणी की पद की वैकेंसी है, ये सारा डिटेल आपको पता लग गया। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।